अवेंजर डायरेक्टर रूसो भी हैं सुपरस्टार रजनीकांत के फैन, किया चौंकाने वाला खुलासा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, बॉलीवुड हो या हॉलीवुड, सुपरस्टार रजनीकांत का काम सब जगह बोलता है। अवेंजर के डायरेक्टर रूसो ने इस बात का खुलासा करते हुए बताया कि फिल्म अवेंजर दी एज ऑफ अल्ट्रॉन का क्लाइमेक्स सीन उन्होंने रजनीकांत की फिल्म रोबोट से प्रेरित होकर तैयार किया था। बता दें कि रूसो अपनी बहुप्रतीक्षित हॉलीवुड फिल्म अवेंजर एंड गेम के प्रचार के लिए भारत पहुंचे हैं। फिल्म अवेंजर एंड गेम 26 अप्रैल को बड़े पर्दे पर दस्तक देगी। रूसो ने प्रचार के दौरान कहा कि भारत मार्वल स्टूडियो के लिए सबसे तेजी से बढ़ता बाजार है। उन्होंने कहा कि यह इतना महत्वपूर्ण है कि यह दुनिया में फिल्म के प्रचार दौर के तहत पहला पड़ाव है। रजनीकांत की फिल्म रोबोट का सेकंड पार्ट 2.0 साल 2018 में रिलीज किया गया था। थस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए। इतना ही नहीं, फिल्म के पहले पार्ट ने भी बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई की थी। रजनीकांत की रोबोट साल 2010 में रिलीज हुई थी। वहीं रूसो की अवेंजर दी एज ऑफ अल्ट्रॉन 15 मई आई थी। बता दें कि रूसो ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि वो भारतीय फिल्मों से काफी कुछ सीखते हैं। फिल्मकार ने एक्शन फिल्म दबंग की भी तारीफ भी की है। उन्होंने कहा है कि मैं एक एक्शन निर्देशक हूँ, इसलिए मैंने कई वर्ष पहले दबंग देखी थी। दबंग 2 अभी देखनी है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आए तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।